हाय गाइस, आई होप आप सारे लोग बढ़े हो। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है यार वही वीज़ा का पार्ट 2। पार्ट 1 यार मैंने वीज़ा का बना रखा है, आप उधर लिंक मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उधर जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा अच्छे से समझाया आपको क्या क्या वीज़ा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एंड क्या रहता है वीज़ा का, मतलब सब कुछ पूरा डिटेल में बता रखा है, सब लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं कैसे आप बुक करा सकते हो। और पार्ट 2 में अब होने वाला है कि मेरा वीजा इंटरव्यू कैसे गया था और क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं। मतलब आप लोगों ने बहुत लेटर्स कह रहा हूँ, ब्लॉग्स पढ़े होंगे आपने वेबसाइट पे कि कैसा वीजा इंटरव्यू जाता है, उस पर भाई बहुत अच्छे से लिखा होता है, डिस्क्राइब अच्छे से किया होता है। मतलब मेरे को लगता है कि वीडियो फॉर्मेट की एक कमी है, तो ये एक वीडियो फॉर्मेट मेरे को लगता है आपको हेल्प करेगा अच्छे से साइकोलॉजिकल फैक्टर समझने के लिए कि कैसा वीजा इंटरव्यू होता है और आपको कैसे पहले से प्रिपेयर होकर जाना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज की वीडियो में वही रहने वाला है और आई होप ये मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मेरे को कि ये सही टाइम है ये वीडियो डालने का, क्योंकि मैं वेट कर रहा था इस टाइम के लिए। क्योंकि अभी क्या, अभी सारे बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं, जैसे ही बोर्ड्स एग्जाम खत्म होंगे फिर लैंग्वेज सीखने में लग जाएंगे मेरे भाई लोग, फिर वो वीजा इंटरव्यू देंगे। तो अभी जो कमिंग विंटर सेमेस्टर में आना चाहते हैं, अभी मई जून में ही, या फिर जो आगे अपकमिंग जो भी सेमेस्टर्स हैं उनमें आना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया रहने वाली है वीडियो। और ये भाई वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ आए। तो शुरू करते हैं अब मेरे भाई लोग। तो क्या होता है, पहले तो मान लो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जब आप वीजा अपॉइंटमेंट अपनी बुक कराते हो कि इस डेट का अपॉइंटमेंट है और इस टाइम का है। तो सपोज करते हैं आपकी अपॉइंटमेंट कल सुबह 8:30 बजे है, तो मैं आपको बोलूंगा यार 8:15 तक आप लगा लो पहुंच जाना, मतलब आधा घंटा पहले जाके भी कोई सेंस नहीं बनता, कोई फायदा नहीं है, वो एंट्री आपको देंगे नहीं, तो वो 10 मिनट पहले एंट्री देते हैं। जैसी आपकी एंट्री होती है यार, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए ना, फोन वोन हो गया, सारा मेटालिक जो भी चीजें रहती है, कॉइन्स वॉइन्स, वो सब बाहर रखवा लेते हैं और आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना अलाउड होता है। तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो यार वीजा इंटरव्यू के लिए, फिर आपका वीजा इंटरव्यू जैसे होता है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है, आपने उसे एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे दिया। फिर इस पॉइंट पे जो होता है ना मेरे भाई लोग, सब लोग घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं, वो मतलब सोचते हैं कि क्या पूछ सकता है यार सामने वाला मेरे से, कि भाई इंग्लिश में पूछेगा हिंदी में पूछेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप बेशक जो जो जर्मन हो गया ना, मान लो आपकी जर्मन थोड़ी सी वीक है, तो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो इनके आंसर के, आप जर्मनी किस लिए जाना चाह रहे हो, आपकी जैसे एज क्या और आप क्या करना चाहते हो बेसिकली जर्मनी जाके, तो इनके आप आंसर जर्मन में लिख के आप अच्छे से एक बार पढ़ सकते हो कि ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ये पूछ सकते हैं। और बाकी यार पूरा इंटरव्यू या तो इंग्लिश में रहता है या हिंदी में, और जो बैंगलोर साइड रहते हैं मेरे भाई लोग वो उनकी मदर टंग में भी हो सकता है। और मोस्टली मेरा जैसे क्या था, मैं आपको बताऊं तो मैं यार मेरा पूरा इंटरव्यू हिंदी में हुआ था, जो मैम थी मेरी जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वो उन्होंने पूरा हिंदी में पूछा था, मतलब इंग्लिश का एक वर्ड भी मेरे ख्याल से हमने यूज़ नहीं किया होगा, ऐसा रहा होगा। और सिंस मैंने अपने भाई लोग से भी पूछा था यार, डेफिनेटली वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ी तो रिसर्च करूंगा ना, तो भाई लोग से मैंने पूछा था कि उनका वीज़ा इंटर मतलब एक्सपीरियंस कैसा गया था, तो उन्होंने भी मेरे को बताया था कि इंग्लिश में रहा था, किसी से जर्मन में नहीं पूछा था और बहुत इजी इंटरव्यू था। तो उन्होंने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेने हैं, आपने डॉक्यूमेंट पकड़ा है, अब वो आपको एक क्वेश्चनेयर वीज़ा क्वेश्चनेयर फॉर्म देंगे और उसमें 2 क्वेश्चंस लिखे होते हैं, और अगर आपको नहीं पता कि क्वेश्चंस क्या लिखे होते हैं तो भाई अब भी आप कम्युनिटी टैब पे जा सकते हो। कम्युनिटी टैब में मैंने अच्छे से डाल रखा है कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछ रखे हैं, उसमें मैंने वीज़ा क्वेश्चनर प्रोवाइड कर रखा है कि ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और मैंने अपना पर्सनल बता रखा है कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे थे। और मेरे को लगता है उसी के अराउंड सब रहेगा, यही क्वेश्चन पूछेंगे और उससे ऊपर कहीं नहीं रहता। तो आपने जैसे ही क्वेश्चनर भर दिया ना, तो आपको एक चीज बताता हूँ मेरे साथ क्या होता। हाँ, इस क्वेश्चनर में जब मैंने भरा था ना, तो भाई मेरे पीछे 2-3 दोस्त बैठे थे जिनका और इंटरव्यू था, तो मैं पीछे उनके पास चला गया यार भरने, क्योंकि उसने मेरे को बोला नहीं कि यहाँ पे आपके खड़े होके मतलब भरना है। तो मैं पीछे चला गया, तो उसने देखा, तो उसने मेरे को बुलाया और भाई वो मेरे को डांट रही है, मैम कि आप पीछे कैसे चले गए, ये अलाउड नहीं है वो सब। भाई आप समझो ना, वीजा इंटरव्यू और आपके साथ ऐसा हो जाए तो भाई आपकी तो फूक जाएगी, अच्छे से फट जाती है भाई बहुत ज्यादा। तो मैंने उनको बोला सॉरी यार मेरे को पता नहीं था, मैं मतलब फिर बहाना मार दिया कि मैं जस्ट पेन लेने गया था, क्योंकि मेरे पे पेन नहीं था तो मैं यहीं पे आ रहा था बस लिखने। तो फिर वो किसी तरह मनाया मैंने, फिर मैंने वहां पे मतलब बैठ के क्वेश्चन फॉर्म भरा, तब तक वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो थी वो सेट करने लग गई एक पैटर्न में मैम। तो फिर मैंने उनको क्वेश्चनर फॉर्म दिया, तो जो मेरे पास दूसरा सेट था, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको 2 सेट चाहिए होते हैं, तो उसने मैम ने मेरे को मतलब जो भी है फर्स्ट डॉक्यूमेंट का सेट दिया और मेरे को बोला कि जो सेकेंड डॉक्यूमेंट सेट है आपके इसी लाइन में ऑर्डर में आप लगा दो और इस पे बायोमेट्रिक फोटो पेस्ट करके बस दे दो। तो आपने दे दिया, बस खत्म, लगा लो, बस ये लगा लो 4 मिनट में, 4 मिनट से एक आप 1 मिनट लगा सकते हो इंट्रोडक्शन, 3 मिनट का भाई वीजा इंटरव्यू। आप
अगर रियलिटी की बात करो तो 5-10 मिनट का इंटरव्यू रहता है बस मेरे भाई, जर्मनी आने के लिए इतना ही इंटरव्यू रहता है, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या फिर कोई टफ नहीं रहता वीजा इंटरव्यू। जितना पढ़ते हो ना, मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा भाई पैरा पे पैरा लिख देते हैं कि ऐसा जाता है वैसा जाता है इंटरव्यू, कुछ नहीं जाता, सिंपल इंटरव्यू रहता है और ऐसा ही रहता है जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। और आई होप आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पता लग गए होंगे, आपको ये सीखने को मिल गया होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई पहले से पढ़ के जाने हैं, ताकि आप थोड़ा एक उस जोन में आ जाओ, समझ लो कि कैसा इंटरव्यू जा सकता है। और घबराने में घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई, इतना सिंपल रहता है। आपसे कोई कोई मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि आप भाई जर्मनी जा रहे हो तो आप वहाँ पे रह जाओगे, आप वापस अपनी होम कंट्री नहीं आओगे, मतलब आपका क्या है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। ये यूएस से कनाडा जाने के लिए बेशक पूछ सकते हैं, लेकिन जर्मनी का बहुत ज़्यादा सिंपल इंटरव्यू रहता है, बस इससे ऊपर भाई कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्वेश्चनेयर भरा दिया खत्म, बस मेरे भाई और कुछ नहीं रहता। और ये आप वीडियो अपने पेरेंट्स से भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि मेरे पे अभी यार मैं देख रहा था 2-3 पेरेंट्स के भी मैसेजेस आए थे कि जो क्या मतलब अपने को वीजा इंटरव्यू के लिए टेंशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए एक स्टूडेंट को। तो मैंने उनको यही बोला था, वीजा इंटरव्यू तो यार जस्ट मतलब कहूंगा कि ये तो भाई ट्रेलर था, अगर आप इसी में डर गए तो फिर यार ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो जस्ट ट्रेलर भाई, पिक्चर तो आगे शुरू होती है जब आप जर्मनी लैंड करते हो। आप इंडिया में जो भी हो या फिर अपनी होम कंट्री में जो भी अभी आप काम कर रहे हो ना यार, लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर वीजा इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये तो जस्ट अभी ट्रेलर है मेरे भाई, इसी में अगर आपको डर गए ना तो फिर फायदा नहीं आगे चल के यार। आगे तो और भी जब आप लैंड करोगे तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बाहर जाना कोई आसान बात नहीं है, मतलब लोग बोलते हैं ना बाहर जाना आसान है वो सब, कोई आसान नहीं है ये तो। जब आपने इंटरव्यू दिया अगर आपको लगता है कि इसमें भी मेहनत लगी तो ठीक है, मैं समझता हूँ, इतना मैंने जितनी आसानी से बताया ना कि वीज़ा इंटरव्यू हो जाता है बस लैंग्वेज सीखते हो, उतना आसानी से भी नहीं रहता भाई, इसमें भी मेहनत लगती है, और फिर जब आप डेफिनेटली यहाँ पे आते हो तो उधर तो फिर डबल मेहनत लगती है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना उनके साथ जिनका यह फ़ायदा हो सकता है, जो अभी आने वाले हैं इस सेमेस्टर में या फिर उनका गोल है जर्मनी, तो आप उनके साथ डेफिनेटली शेयर कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो। और यार सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि मेरे को भी अंदर से एक मोटिवेशन आना चाहिए ना कि भाई मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। और मेरे को पता है मैं आपके साथ मतलब लाइव सेशन अब रेगुलर हो गया हूँ, आपको भी दिख रहा होगा क्योंकि लाइव सेशन मैं हफ्ते में एक बार कर रहा हूँ, तो अब वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है। खैर जो भी है, आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ओके मेरे भाई, आज तक मतलब आज के लिए बस इतना ही, तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चूस चाओ एंड बाय।